बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कर दिया खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार। वर्ल्ड कप के बाद निकलेगी समी की बारात। हसीन जहां को लगा 440 वोल्ट का झटका। समी की जिंदगी में फिर से आएगी बंगाली दुल्हनिया। शादी से पहले ही मांग में भर ली सिंदूर, दिल डूबा तेरे प्यार में। वर्ल्ड कप में घायल शेर की तरह विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को खून की आंसू रुलाने वाले मोहम्मद समी के प्यार में बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना बोल्ड हो गई है। बैंड बाजा बारात की करो तैयारी, क्योंकि समी की जिंदगी में एक और बंगाली दुल्हनिया आने वाली है। शादी से पहले ही समी के नाम का सिंदूर लगाने लगी है। जी हाँ, वह खूबसूरत हसीना कोई और नहीं बल्कि बंगाल से ही ताल्लुक रखने वाली 34 वर्षीय पायल घोष है, जिनके सपने में इस समय सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद समी ही छाए हुए हैं। घमंडी हसीन जहां को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, क्योंकि पायल घोष हसीन जहां की तरह गरीब घर से नहीं बल्कि करोड़पति घर से ताल्लुक रखती है। इस समय पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद समी और पायल घोष के ही प्यार के किस्से सुनाए जा रहे हैं। 2 नवंबर को ही पायल घोष ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार कर दिया था। पायल घोष ने लिखा था कि समी, अगर तुम अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख जाओ तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि पायल ने इसके आगे हंसी का इमोजी भी दिया था, शायद वह मजाक में कह रही हूँ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ समी की कातिलाना गेंदबाजी देखने के बाद पायल घोष ने 9 अक्टूबर के दिन फिर से ट्वीट करते हुए लिखा था कि समी, दिल डूबा तेरे प्यार में। हालांकि मोहम्मद समी ने अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। 34 साल की पायल घोष हिंदी, तमिल और बंगाली मूवी में काम कर चुकी हैं। शाहरुख सलमान के साथ पायल का उठना बैठना होता है। राजनीति में भी मोदी के कई मंत्रियों के करीबी मानी जाती हैं पायल घोष। और फेमस टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में भी पायल घोष काम कर चुकी हैं। खूबसूरती के मामले में कैटरीना दीपिका को भी मात दे देती हैं। समी के दिल में जगह बनाने के लिए पायल घोष लगातार समी की पहली धोखेबाज पत्नी हसीन जहां पर लगातार हमला बोल रही हैं। पायल ने हसीन जहां को सेल्फीज के साथ साथ घमंडी औरत भी बताई है। हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद समी पायल घोष के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कुछ महीने पहले ही समी और हसीन जहां का कानूनी तौर पर पूरी तरह से तलाक हो चुका था। ऐसे में मोहम्मद समी को भी एक हमसफर की ज़रूरत है। वर्ल्ड कप के बाद पायल घोष के नाम पर मोहम्मद समी विचार कर सकते हैं। हालांकि इस समय मोहम्मद समी अपना पूरा फोकस वर्ल्ड कप पर बनाए हुए हैं। सेमीफाइनल के मुकाबले में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ भिड़ना है और सभी की निगाहें मोहम्मद समी की गेंदबाजी पर होने वाली है। मोहम्मद समी ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मैच खेलकर 16 विकेट चटका चुके हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि सेमीफाइनल के मुकाबले में मोहम्मद समी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अगर मोहम्मद समी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हैं तो हो सकता है मोहम्मद समी वर्ल्ड कप के बाद शादी कर सकते हैं।